हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में के नए मेल लीड एक्टर के तौर पर फहमान खान को मेकर्स ने अप्रोच किया है। फैंस इस खबर को सुनकर काफी खुश भी हो गए थे कि धर्मपत्नी के बाद फहमान उन्हें टीवी पर एक बार फिर से नजर आएंगे। वहीं बाद में खबर सामने आई थी कि फहमान शो में नजर नहीं आएंगे, लेकिन अब आपको बता दें कि खुद फहमान ने सामने आकर ये कंफर्म कर दिया है कि गुम है किसी के प्यार में शो के मेकर्स की तरफ से उन्हें शो में लीड रोल के लिए अप्रोच किया गया है और उनके मैनेजर से भी बातचीत की जा रही है। जी हां, इंडिया फोरम से एक्सक्लूसिव बातचीत में फहमान ने क्या कुछ बताया सुनिए जरा। फहमान ने कहा, हाँ ये सच है कि हम शो के लिए बात कर रहे हैं, मुझे शो के लिए अप्रोच किया गया है। प्रोडक्शन हेड ने मेरे मैनेजर से संपर्क किया, हम बात कर रहे थे और हम एक निष्कर्ष पर आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, मैं ना तो शो करने की बात को अभी कंफर्म करूंगा और ना ही ये कहूंगा कि मैं शो नहीं कर रहा हूं। मैं अभी तक कुछ नहीं जानता। हम एक बार उनके ऑफिस में मिले थे, हालांकि अभी तक ये क्रिएटिव लेवल तक नहीं पहुंचा है। मैं एक बार कहानी सुनना चाहता हूं और अगर ये वहां पहुंचती है और हम एक समझौते पर आते हैं तो ये होगा। यानी कि अगर बात बन जाती है तो इस बार फहमान की जोड़ी एक्ट्रेस उल्का गुप्ता के साथ नजर आएगी। आपको बता दें कि खबरें हैं कि मेकर्स ने उल्का को शो में लीड रोल के लिए फाइनल किया है और उनका मॉक शूट भी लिया जा चुका है। वहीं अब फहमान ने सामने आकर साफ साफ कहा है कि शो को लेकर अभी बातचीत की जा रही है और अगर उन्हें कहानी पसंद आती है तो वो शो जरूर करेंगे। बिल गुम है किसी के प्यार में शो टीवी के हिट शोज में से एक है, लेकिन नील आयशा की एग्जिट के बाद कहानी को नए ट्रैक के साथ शुरू करना खुद मेकर्स के लिए भी बड़ा चैलेंज है। ऐसे में वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कहानी तो जोरदार हो ही, साथ ही नए लीड स्टार्स ऐसे हों जिनकी जनता के बीच में काफी अच्छी पॉपुलैरिटी हो और वो टीवी के अच्छे स्टार्स भी हों। क्योंकि एक तरफ जनता को नए किरदारों को एक्सेप्ट करना होगा तो वहीं नया ट्रैक भी जानदार होना चाहिए जिससे कहानी जनता को सीधी छू पाए। हालांकि अब देखना तो ये है कि मेकर्स और स्टार्स का आखिरी फैसला क्या होगा।